ये कांग्रेस पार्टी जो है पीवीआर का पिटाशो बन गई है। अब पीवीआर जो है समझ रही है ना, पीवीआर का मतलब प्रियंका, वाड्रा, राहुल। तो इस पीवीआर के पिटे शो में जो फेक एंड फैब्रिकेटेड फिक्सर्स हैं, तो इन फेक और फैब्रिकेटेड फिक्सर की हर दिन एक झूठी, एक मनगढ़ंत, एक लोगों को गुमराह करने वाली कहानी आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सुनाते तो बहुत हैं, सुनता कोई नहीं है इनकी। क्योंकि दिक्कत ये है कि इनका फेक और फैब्रिकेटेड जो किस्सा और कहानी है वो पूरी तरह से लोगों के बीच में एक्सपोज हो चुका है। और मोदी जी पर तो दिक्कत ये हुई है इनकी कि सुबह उठते हैं तो दो गालियां बकते हैं, शाम होती है तो फिर कोसना शुरू कर देते हैं, फिर जो है वो एक झूठी कहानी बनाएंगे और कहानी गढ़ करके उनके शीर्ष नेता जो है वो भाषणों में भाषणबाजी करने लगेंगे। हाँ, मोदी हैं तो मुमकिन है भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों के गले में फंदा पड़ना, मुमकिन है देश में जो है सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालेबंदी, और मुमकिन हुई है जो आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, आज चूहे की बिल में घुसे हुए हैं, ये मुमकिन हुआ है। तो ये तो कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके समय में मुमकिन होता था बेईमानी, इनके समय में मुमकिन होता था चोरी, डकैती, लूट, जनधन की हर महीने कहीं ना कहीं देश के हिस्से में धमाके, तो वो अब सब मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इनकी समस्या आई है कि इनको तो लगता था कि देश में जो है वो देश बदहाली के रास्ते पे चले, देश में जो है वो गरीबी रहे, देश में विकास ना हो, तो वो सब हो रहा है। तो इसीलिए हमने कहा ना कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पीवीआर का पिटा शो बन गई है, और ऐसा पीवीआर का पिटा शो जहाँ फेक और फैब्रिकेटेड फिक्चर्स की एक लंबी सी श्रृंखला है। और इन फिक्सर्स का दिक्कत ये है कि ये फिक्सर्स जो है वो ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना उनके बारे में कोई उनकी जानकारी उनको होती है, इसलिए वो हर दिन सुनाते हैं, सुनने वाला कोई नहीं रहता, खाली, सारी सीटें खाली हैं।